शेयर मार्केट और निफ्टी एनालिसिस देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और प्रेस करें बेल आइकॉन ताकि सबसे पहले आप हमारा वीडियो देख सकें। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन टू निफ्टी एनालिसिस फ्रॉम ट्रेडिंग फैब डॉट इन। आज 11 फरवरी 2020 ट्यूसडे है, सुबह के 8:13 हो रहे। दूसरा ट्रेडिंग सेशन है इस वीक का। कल हमने देखा वीक की शुरुआत काफी निगेटिव रही। दुनिया भर में ये जो कोरोना वायरस है उसका टेंशन अभी भी काफी चल रहा है, तो इसके मद्देनजर जो आने वाला क्वार्टर है उसके ऊपर प्रोडक्शन हाउसेस जो है इसका असर इसके ऊपर देखने को मिल सकता है। चाइना से काफी रॉ मटेरियल दुनिया भर के कंट्रीज इंपोर्ट करते हैं, तो उनके प्रोडक्शन के ऊपर काफी असर गिरेगा। और अभी Q3 के रिजल्ट्स आ रहे हैं, एक के बाद एक कंपनी अपने डिक्लेयर कर रही है Q3 के रिजल्ट्स। तो पास्ट में कई बार देखा गया है कि ये जो जनवरी फरवरी मंथ है तो इसमें निफ्टी इंडेक्स काफी वोलेटाइल मूवमेंट दिखाता है, अप एंड डाउन्स काफी रहते हैं, क्योंकि Q3 के रिजल्ट्स आने के बाद एक अंदाजा आ जाता है कि फाइनेंशियल ईयर मार्केट कंपनीज के लिए कैसा होगा। कंपनीज का ओवरऑल फाइनेंशियल ईयर Q3 के रिजल्ट्स के बाद एक अंदाजा आ जाता है कि ये कंपनी के लिए फाइनेंशियल ईयर कैसा होगा। तो इसके मद्देनजर जनवरी फरवरी में काफी अप एंड डाउन्स निफ्टी इंडेक्स में देखने को मिलते हैं। तो अभी आज क्या निफ्टी में इंट्राडे लेवल्स हो सकते हैं उसको आइडेंटिफाई करते हैं, उसके पहले कल के एनालिसिस का एक क्विकली रिव्यू करेंगे। ये कल का पिक्चर है, यानी 10 फरवरी आफ्टर मार्केट RCA पिक्चर लिया हुआ है। कल का वीडियो अगर आपको देखना है तो ऊपर या आई बटन में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी। तो कल के प्लान के अकॉर्डिंग हमारा ब्रेकआउट लेवल बन रहा था 12,114 और ब्रेकडाउन लेवल बन रहा था 12,073। तो जैसे कि आप देख रहे हैं ये 10 मिनट का निफ्टी इंडेक्स का चार्ट है। निफ्टी ओपन होने के बाद टूवर्ड साउथ की तरफ मूव हुआ और हमारा फर्स्ट टारगेट 12,063 और सेकेंड टारगेट 12,048 ये भी अचीव हुआ। तो एक ही वे में ये शुरू में जैसे ही ओपन हुआ तो यहाँ से साउथ की तरफ मूव हुआ और पूरे दिन भर एक फ्लैट नोट पर ये ट्रेड कर रहा था। तो कल के प्लान के अकॉर्डिंग ऑलमोस्ट 14 पॉइंट्स का ट्रेड करने का मौका था और 10 लॉट्स के हिसाब से अगर ट्रेड करते तो अराउंड 10,500 का यहाँ पर प्रॉफिट बन सकता था। तो ये था कल के एनालिसिस का एक क्विकली रिव्यू। ग्लोबल मार्केट्स के हालात देख लेते हैं। कल US मार्केट में फिर से एक बार रिकवरी कंटिन्यू होते हुए दिखाई दी। नास्डा करीब 107 पॉइंट के बढ़त के साथ बंद हुआ। यूरोपियन मार्केट्स कल लाल निशान में बंद हुए थे और आज जब एशियाई मार्केट ओपन हो चुके हैं तो यहाँ पर भी एक अच्छा खासा अभी अपसाइड मूव देखने को मिल रहा है। ओवरऑल ग्लोबल मार्केट्स देखें तो मिला जुला कारोबार इस समय देखने को मिल रहा है। डाउ फ्यूचर भी 91 पॉइंट के बढ़त के साथ ट्रेड कर रहा है। आज दिल्ली के इलेक्शन है तो काफी वोलेटाइल भी मार्केट हो सकता है। चलते निफ्टी के चार्ट के ऊपर, वीकली चार्ट से शुरू करेंगे। ये है निफ्टी इंडेक्स का वीकली चार्ट। जैसे कि ये फॉल आने के बाद हमने यहाँ पर फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल को ड्रॉ किया था, तो इसका 61.8% का लेवल 11,600 के पास आ रहा था और 50 EMA में भी अराउंड लगभग इसी लेवल के पास आ रहा था। तो यहाँ से हमने कंटिन्यू ये जबरदस्त बाउंस बैक देखा है लास्ट वीक और अभी यहाँ पर इसने एक पॉज ले लिया है। 12,114 के लेवल के पास यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है। इस लेवल को अगर आप देखें तो पास्ट में इसने कई बार रेजिस्टेंस का और उसके बाद में ये सपोर्ट का काम किया इस लेवल ने। तो 12,114 के पास एक मेजर अभी रेजिस्टेंस है। इसके ऊपर ये जो लॉन्ग बियरिश कैंडलस्टिक है इसका हाई कंफर्टेबली ब्रेक करना होगा, तभी हम यहाँ से कह सकते हैं कि यहाँ से अपसाइड हमें मूवमेंट कंटिन्यू होते हुए नजर आ सकती है। अभी ये जो फॉल आया है तो अगर हम इसका रिट्रेसमेंट लेवल निकाल के देखें तो एग्जैक्ट 61.8% का लेवल भी इसी के पास आ रहा था। तो इस लेवल के पास एक ट्रेंड रिवर्सल, एक ट्रेंड यहाँ से चेंज हो सकता है 50% 61.8%। तो इसके बाद अगर ये यहाँ से और भी टूवर्ड साउथ की तरफ मूव करता है तो ये जो पिंक लाइन है 20 EMA का, इसी के पास 38.2% का लेवल आ रहा है। तो 11,900 ये क्रूशल सपोर्ट होगा एज पर वीकली चार्ट। तो यहाँ से ये बाउंस बैक हो सकता है और अगर इस लेवल को 11,900 को अगर ब्रेक कर देता है तो फिर से हमें यहाँ से कंटिन्यू डाउनसाइड मूव हमें देखने को मिल सकता है। तो ये है वीकली चार्ट का सिनारियो। चलते हैं डेली चार्ट पर। डेली चार्ट पर अगर आप यहाँ देखें तो हमने कल भी यहाँ पर है ये बोरिंग कैंडल्स थी, ये मार्क कर दिया था। तो ये स्पिनिंग टॉप जैसा कैंडलस्टिक हम इसे कह सकते हैं। उसके बाद अभी दो बियरिश कैंडलस्टिक आ गया है और ये जो कल का बियरिश कैंडल है इसने 20 और 50 EMA के नीचे क्लोज दे दिया है।
लेकिन हालांकि अभी ये जो 12,114 के पास हम सपोर्ट देख रहे हैं, तो इसके नीचे क्लोज नहीं हुआ, ये इसके जस्ट ऊपर आके फिर से इसने क्लोज किया, तो चांसेस है कि यहाँ से फिर से एक बार बाउंस बैक देखें। लेकिन जब तक ये स्विंग, ये जो लास्ट दो बोरिंग कैंडल बने हैं यहाँ पर स्विंग हाई बना हुआ है, तो इसके ऊपर यानी ये लेवल अराउंड 12,160 के ऊपर जब तक कंफर्टेबली सस्टेन नहीं करता एज पर डेली चार्ट, यहाँ से हमें कंफर्मेशन नहीं मिलेगा कि ये अपसाइड मूव यहाँ से कंटिन्यू हो सकती है। तो फिलहाल अभी यहाँ पर नीचे अगर एज पर डेली चार्ट अगर और ये टूवर्ड साउथ की तरफ मूव करता है तो यहाँ पर 100 ईएमए भी आप देख सकते हैं एग्जैक्ट 11,900 के पास आ रहा है। तो एज पर वीकली चार्ट में 20 ईएमए आ रहा था 11,900 के पास और यहाँ पर 100 ईएमए आ रहा है, तो 11,900 एक क्रूशल सपोर्ट होगा। अगर इसको तोड़ देता है तो निफ्टी यहाँ से फिर से टूवर्ड साउथ की तरफ मूव कर सकता है। ऊपर कंटिन्यू अगर रैली देखना है अपसाइड तो 12,160 के ऊपर सस्टेन होना बहुत जरूरी है निफ्टी इंडेक्स को, तो हमें यहाँ से अपसाइड मूव कंटिन्यू होते हुए दिखाई दे सकती है, चांसेस बढ़ सकते हैं। ये था वीकली और डेली चार्ट का सिनेरियो। चलते हैं 60 मिनट के चार्ट में, वीकली इंट्राडे लेवल्स को आइडेंटिफाई करेंगे। कल शुरू में जो ये फर्स्ट हाफ एन आवर में ये जो फॉल है, तो उसके बाद एक साइडवेज पैटर्न में निफ्टी इंडेक्स पूरे दिन भर ट्रेड होते रहा। मोस्ट ऑफ द टाइम देखा गया है कि मंडे जब यूएस मार्केट हमारे बाद ओपन होते हैं तो मंडे को शुरू में एक जबरदस्त मूव आता है और पूरे दिन भर एक फ्लैट नोट पर निफ्टी इंडेक्स ट्रेड करता है। तो यहाँ पर ये जो एक रेंज बना हुआ है साइडवेज पैटर्न का, ये जो रेंज बना हुआ है इसका अगर हम लोअर बैंड को अगर ये ब्रेक करता है यानी 11,999 यानी 12,000 के नीचे फिर से चला जाता है तो ही इंडेक्स के लिए हम यहाँ पर आज शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं। तो ये हो सकती है हमारे लिए आज के लिए ब्रेक डाउन लेवल, इसे हम मार्क कर देते हैं। तो अगर ये इस लेवल के नीचे चला जाता है तो ही इंट्राडे के लिए हम यहाँ पर शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा ये जो पिवट पॉइंट का S1 का लेवल है 11,980, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा और सेकंड टारगेट होगा यहाँ पर 11,956, ये हमारा सेकंड टारगेट होगा। और अगर टूवर्ड्स नॉर्थ की तरफ बढ़ता है तो ऊपर तो पिवट पॉइंट का ये जो लेवल है ये फर्स्ट रेजिस्टेंस है, उसके बाद ये जो साइडवेज पैटर्न बना है इसका ओपन मतलब अपर बैंड का ये जो लेवल है ये भी रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। फिर 20 ईएमए है, 100 ईएमए है, तो इन लेवल्स को कंफर्टेबली अगर ब्रेक करता है तो पास्ट में हम यहाँ पर देख सकते हैं एक यहाँ पर स्विंग हाई बना है, स्विंग हाई ऑलमोस्ट 100 ईएमए के पास। तो इस लेवल को अगर ये कंफर्टेबली अगर ये ब्रेक करता है यानी 12,052 के ऊपर अगर सस्टेन करता है तो ही इंट्राडे के लिए हम यहाँ पर बाय पोजिशन बना सकते हैं। तो ये लेवल हो सकती है आज हमारे लिए ब्रेकआउट लेवल, तो इसे हम मार्क कर देते हैं एज अ ब्रेकआउट लेवल और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 12,068, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा और सेकंड टारगेट होगा 12,081, ये हमारा सेकंड टारगेट होगा। तो ये है निफ्टी के लिए आज के लिए इंट्राडे लेवल्स। अगर आपको यह वीडियो एनालिसिस अच्छा लगा हो तो प्लीज हिट द लाइक बटन, शेयर करें, कमेंट करें, आपके दोस्तों के साथ भी इस यूट्यूब चैनल को जरूर शेयर कीजिए। सो हैप्पी ट्रेडिंग।